कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन सदी का सबसे लंबा खंड ग्रास चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। भारत में क्योंकि ये दिखेगा नहीं, तो इसलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में दिखना है, वो भी मोक्ष के समय कुछ पलों के लिए। इसलिए शास्त्र अनुसार सूतक के नियमों के पालन करने की आवश्यकता नहीं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर जरूर देखें चैनल पर। मैंने डिस्क्रिप्शन भी उस वीडियो का दे रखा है, इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथियों, इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन पर यानी कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसकी किस्मत खुलेगी और किसको हानि होगी, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। 12 राशियों में जो पहली राशि है मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण यानी कि खंडग्रास चंद्र ग्रहण जो है शुभ है। लॉटरी सट्टा अचानक धन लाभ के योग देगा, नौकरी के योग देगा और खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। साथ ही साथ ऐसा बोला जाए करोड़पति बनने के योग मेष राशि वालों के लिए इस चंद्र ग्रहण की वजह से बनेंगे। 12 राशियों में जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें, व्यर्थ का वाद विवाद ना करें और किसी से लेन देन ना करें, ना कर्ज दें और ना लें, नहीं तो हानि हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अशुभ है। चलिए 12 राशियों में जो तीसरी राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की जो संकट अभी तक चल रहे हैं, चालू हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किस्मत खुलेगी, भाग्योदय होगा, संतान प्राप्ति के योग होंगे, आय में व्यापार में और आय में वृद्धि होगी, विवाह के योग आएंगे। यह चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए शुभ है। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन का देवता है और ग्रहण की वजह से वो ही दूषित है। अब ऐसे में कर्क राशि वाले अपने दिमाग में ज्यादा टेंशन ना लाएं, किसी से व्यर्थ वाद विवाद ना करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए अशुभ है। सिंह राशि, 12 राशियों में पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के को किसी भी सरकारी दस्तावेज पे साइन करने से पहले कागज को व्यवस्थित पढ़कर फिर साइन दे, नहीं तो धोखे के शिकार हो सकते हैं, बड़ी हानि हो सकती है। और लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे लाल मसूर की दाल दान कर सकते हैं, किसी को लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, ये ध्यान रखें सिंह राशि की। वो चलिए बात कर लेते हैं 12 राशियों में छठवीं राशि जो कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए भी यह बहुत शुभ है। लोन सेंक्शन हो सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, फंसी हुई रकम किसी के पास है वो वापस मिल सकती है, वित्तीय मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी इस ग्रहण की वजह से। यह ग्रहण कम कन्या राशि वालों के लिए शुभ है। चलिए तुला राशि की बात कर लेते हैं। सातवीं राशि है 12 राशियों में सातवीं राशि तुला राशि। इनका तो भाग्योदय होने वाला है, व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, विवाह के योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के योग है और यहाँ तक कि नवीन नवीन व्यक्तियों के संपर्क में आने के कारण आपको वो भी व्यक्तियों से आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के लिए सगे संबंधियों की मदद मिलेगी, अभी तक की जो परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी। तुला राशि वालों के लिए शुभ है यह चंद्र ग्रहण। चलिए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि को भी अचानक धन लाभ के योग है, और धन लाभ के योग नहीं, चमत्कारिक लाभ के योग हैं। सरप्राइज गिफ्ट कोई मिल सकता है और आय में भी वृद्धि के योग है। बस ध्यान रखें,
वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है या करीबी व्यक्ति से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए अशुभ है, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए भी सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन न लें। कुंभ लेन देन के मामलों में जरा सतर्कता रखें, धन लाभ भी होगा, खैर नौकरी भी होगा, मिला जुला असर रहेगा इस चंद्र ग्रहण का। 12 राशियों में जो आखिरी राशि है, 12वीं राशि है, वो है मीन। मीन राशि के लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन का योग है। 100% इस चंद्र ग्रहण के लाभ से आपको प्रमोशन भी होगा, सिलेक्शन भी होगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। शिक्षक के क्षेत्र में आपको टॉप क्लास की कंडीशन यह चंद्र ग्रहण देगा। शत्रु पराजित होंगे, विदेशों से लाभ होगा, जितनी यात्राएं करेंगे उतना लाभ होगा। अगर पानी के मार्ग से यात्रा करते हैं तो और अधिक लाभ होने की संभावना है। अब ये इस चंद्र ग्रहण की वजह से भारत और विश्व पटल पर 12 राशियों जो भारतवासी विदेश में भी रह रहे हैं, यही फल जो है उनके लिए भी है फलादेश। इसका जो असर है वो 2 दिन पहले से शुरू होता है और 2 दिन बाद तक चलता है, चंद्र ग्रहण के फलों का असर। और राशियां शुभ प्रभाव में लगभग 3 महीने तक रहती हैं और दूषित प्रभाव में भी 3 महीने तक रहती हैं। इसके अलावा और भी ग्रहों का गोचर वगैरह होने की वजह से थोड़ा सा शुभ और अशुभ फल बीच बीच में आते जाते रहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।